लोगों ने स्टार्ट किया था इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज की पहली डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस। मैंने कहा था इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज मेनली दो तरीके से प्रेजेंट करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस अक्सर कोलन में अल्सर्स दिखते हैं, ये ब्लीड कर सकते हैं, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, लेफ्ट साइडेड एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसी तरीके से कभी कभी पैची इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब कुछ पार्ट इंटेस्टाइन का इन्फ्लेम्ड होगा फिर कुछ पार्ट नॉर्मल होगा। मेनली इलियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होगा, पेन राइट साइड में होगा ज्यादातर। ठीक है, तो आगे चल के क्रॉन्स डिजीज पढ़ेंगे, अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस पे। आज हम लोग पूरा अल्सरेटिव कोलाइटिस खत्म कर लेंगे। क्लिनिकल फीचर्स और इटियोलॉजी की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। जो सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेटरी चेंजेस और अल्सर्स मिलते हैं वो मिलते हैं आपके कोलन में, इसीलिए इसका नाम अल्सरेटिव कोलाइटिस है। लेकिन डिजीज स्टार्ट होती है रेक्टम से, ग्रेजुअली पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व कर सकती है, मेनली कोलन को, कभी कभी पार्ट ऑफ इलियम को भी इन्वॉल्व कर लेती है, तो हम लोग कहते हैं बैक वॉश इलियाइटिस। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज आगे चल के पढ़ेंगे, यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होगा, हम लोग बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज। इन्फ्लेमेशन बीच बीच में होगा और कुछ एरियाज नॉर्मल होंगे, कुछ एबनॉर्मल होंगे। जहां पे रेड दिख रहा है मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है ना। तो क्रॉन्स डिजीज इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन मेनली इलियम को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, पैची आपका इन्फ्लेमेशन होता है। लेकिन जब हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करते हैं तो डिजीज रेक्टम से स्टार्ट होती है, रेक्टम से इन्वॉल्व होने के बाद धीरे धीरे कोलन को इन्वॉल्व करती है, ज्यादातर डिसेंडिंग कोलन या सेग्मॉइड कोलन इन्वॉल्व होता है। ये स्ट्रक्चर्स आपके लेफ्ट साइड हैं, इसीलिए पेन ज्यादातर ऐसे लोगों को राइट इलियक फोसा में लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, और ज्यादातर क्रॉन्स डिजीज में पेन राइट साइड में होता है। ये जो इलियोसीकल जंक्शन है ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और ये मोर और लेस आपको डायग्राम में भी पता चल रहा होगा राइट साइड है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर्स बनेंगे कोलन में, अल्सर से ब्लीड हो सकता है, इसलिए स्टूल्स मे बी एसोसिएटेड विद ब्लड। पेशेंट में डायरिया वगैरह भी हो सकते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन इरिटेट होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपके वहां पे बढ़ सकते हैं मोमेंटेरिली। डेफिनेशन की बात करते हैं तो वी से दैट अल्सरेटिव कोलाइटिस इज इन्फ्लेमेटरी डिजीज मेनली अफेक्टिंग द लार्ज इंटेस्टाइन कैरेक्टराइज्ड बाई रिकरेंट एपिसोड ऑफ ब्लडी डायरिया, है ना, डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोनिक म्यूकोसा। ऐसा नहीं कि केवल कोलन का म्यूकोसा ही इन्फ्लेम्ड होगा, रेक्टम भी होगा, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन मैक्सिमम होगा, इतना इन्फ्लेमेशन हो कि टिश्यू डैमेज हो जाए, अल्सर फॉर्म हो जाए, ये ज्यादातर कोलन में मिलेंगे। आगे चल के आप लोग देखोगे कि इससे चल के कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्या चीज, कोलन कैंसर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं भले ही कोलन में सबसे ज्यादा चेंजेस मिले लेकिन डिजीज स्टार्ट होती है रेक्टम में। ठीक है, कुछ लोगों में तो रेक्टम तक ही लिमिटेड रह जाती है, रेक्टम के इन्फ्लेमेशन को हम लोग कहते हैं प्रोक्टाइटिस। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं डिजीज स्टार्ट हुई रेक्टम से, रेक्टम तक ही रह गई, रेक्टम के इन्फ्लेमेशन को हम लोग कहते हैं प्रोक्टाइटिस। फिर उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे डिजीज आपकी सेग्मोइड कोलन और डिसेंडिंग कोलन तक पहुंच गई है, हम लोग कह दिए रेक्टम तो इन्वॉल्व रहना ही है, सेग्मोइड कोलन भी इन्वॉल्व हो गया, दिस इज नोन एज प्रोक्टोसेग्मोइडाइटिस। यहाँ पे पूरा का पूरा डिसेंडिंग कोलन और सेग्मोइड कोलन इन्वॉल्व हो गया, यहाँ से कोलन स्टार्ट था लेकिन केवल लास्ट का डिसेंडिंग पार्ट डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, वी कॉल इट डिस्टल कोलाइटिस। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ट्रांसवर्स कोलन भी इन्वॉल्व हो गया अलोंग विद रेक्टम एंड डिसेंडिंग कोलन, हम लोग कह देते हैं एक्सटेंसिव कोलाइटिस। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पूरा कोलन पूरा रेक्टम इन्वॉल्व हो गया, हम लोग कह देते हैं पैन कोलाइटिस। कभी कभी यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा, हम लोग कह देते हैं बैक वॉश इलियाइटिस। यहाँ से स्टार्ट हुआ इतना तो है ही, ये वाला पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है कभी कभी, मतलब इस स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम हम लोग कहते हैं बैक वॉश इलियाइटिस। इस तरीके से अगर केवल इतना इन्वॉल्वमेंट है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट साइडेड एब्डोमिनल पेन होगा, पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो गया तो डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन होगा, मतलब कहीं पे भी। स्टार्ट होती है डिजीज कहाँ से,
रेक्टम से प्रोग्रेस करती है जनरली कोलन तक। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि कोई ऐसा कॉज नहीं मिला है जिससे हम लोग कह दें कि किसी पर्टिकुलर इंसान में अल्सरेटिव कोलाइटिस इस पर्टिकुलर रीजन से हुआ है। अगर किसी डिजीज की इटियोलॉजी का कुछ अता पता ना लगे तो हम लोग कह देते हैं दिस इज इडियोपैथिक डिजीज अननोन कॉज। पीक एज ऑफ ऑनसेट हम लोग कहते हैं इसका बाईमोडल प्रेजेंटेशन होता है। कुछ लोगों में देखा गया है कि एज ऑफ ऑनसेट 15 टू 30 ईयर्स के बीच में, कुछ लोगों में लेट एज में जाके ये डिजीज हो जाती है 60 टू 80 ईयर्स में, लेकिन अगर डिजीज हो गई तो कभी ठीक नहीं होनी है, रेमिसेंस रिलैप्सेस चलते रहते हैं। बात कर रहे थे हम लोग इटियोलॉजी की, तो मेनली हम लोगों ने कहा था इट इज अ इडियोपैथिक डिजीज, लेकिन कोई भी चीज है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा, हो सकता है हम लोग फिगर आउट ना कर पा रहे हों। यहाँ पे मेनली हम लोग कहते हैं कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से एंटीबॉडी बनी होगी। इन्फेक्शन को तो चलो ठीक है, उन एंटीबॉडीज ने न्यूट्रलाइज कर दिया होगा, लेकिन इन्होंने जो एंटीबॉडीज बनी है इसने आपके कोलन के म्यूकोसा को भी अटैक कर दिया, रेक्टम को भी अटैक कर दिया और वहां इन्फ्लेमेशन हुआ, टिश्यू डैमेज। यहाँ पे एक दूसरी चीज भी है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकता है, ठीक है। स्मोकिंग हैज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट, हम लोग कहते हैं स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग इज बेनिफिशियल इन अल्सरेटिव कोलाइटिस बट इट इज हार्मफुल इन क्रॉन्स डिजीज और एनी कैंसर, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग कहते हैं स्मोकिंग बेनिफिट कैसे करेगा, स्मोकिंग से म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और म्यूकस अगर ज्यादा होगा तो ना गैस्ट्रिक अल्सर बनेगा, ना डिओडनल अल्सर बनेगा, ना कोलन अल्सर बनेगा, राइट। यहाँ पे हम लोग एक बार क्यूमुलेटिव वे में देख लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स होंगे। यहाँ पे एक चीज आप लोग देख पा रहे हो, म्यूसिन डिप्लीशन अल्सर फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है और ये म्यूसिन म्यूकस का पार्ट होता है, यही म्यूकस स्मोकिंग से बढ़ जाता है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में अल्सर बनने की फॉर्मेशन को रोकता है। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था स्मोकिंग प्रोटेक्टिव है, इसी तरीके से कुछ लोगों को अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है, अपेंडिक्स में भी इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी के लिए लिम्फोइड टिश्यू होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो क्यों रही है, बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडी रेस्पॉन्स है जो कि कोलन म्यूकोसा को डैमेज कर रहे हैं, तो अगर वहां इम्यून रेस्पॉन्स कम कर दिया जाए तो भी ये डिजीज आपकी उतनी सीवियर नहीं होगी, मतलब प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं वेस्टर्न डाइट, कुछ लोग कहते हैं कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन इसको ट्रिगर कर देता है। बात करते हैं सिम्टम्स की, सिम्टम्स में बात करते हैं यहाँ पे डायरिया हो सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकता है, डिजायर टू पास स्टूल्स हो सकते हैं, टेनिसमस, एब्डोमिनल पेन, फीवर, फटीग एंड वेट लॉस। ये सब बिल्कुल आप लोग रिलेट कर सकते हो कि अगर किसी के कोलन में इन्फ्लेमेशन है तो इतने सारे मैनिफेस्टेशंस मिल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फिर से क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, ब्लडी अल्सर था, ब्लीड करने लगा, इंटेस्टाइन इरिटेट हुआ, बॉवल मूवमेंट्स बढ़ गए, ब्लडी म्यूकॉइड डायरिया, राइट। अगर कहीं पे इंटेस्टाइन का इरिटेशन होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपके बढ़ सकते हैं, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेनफुल स्पाज़म हो सकता है रेक्टल और एनल स्फिंक्टर मसल्स का, तो वहाँ पे पेन हो सकता है और इंटेंस डिजायर हो सकता है ऑफ पासिंग स्टूल्स, हो सकता है कोई स्टूल ना पास हो केवल मसल का स्पाज़म हो। वी कैन ऑल्सो गेट फीवर एंड वेट लॉस, है ना, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है तो कुछ ना कुछ फीवर प्रोड्यूस हो सकता है। फिर से वही वाला स्लाइड है, पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें, यहाँ पे हम लोग कहते हैं बॉडी में ऑल्टर्ड इम्यूनिटी है और ये ऑल्टर्ड इम्यूनिटी आपके कोलन को ही अटैक कर दिया जिसकी वजह से कोलन और रेक्टम में इन्फ्लेमेशन हुआ और अल्सर्स पर्टिकुलरली हो गए कोलन में। मल्टीफैक्टोरियल है, दुनिया भर की चीजें मानी गई है कि डिजीज कराती हैं, प्रूवन कुछ भी नहीं है। कुछ डाइट से हो सकता है, वेस्टर्न डाइट से, कुछ ड्रग से हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कॉम्बिफ्लाम, मेफेनेमिक एसिड, कोई भी एंसिड खाते हो वो ट्रिगर कर देता है, कुछ लोग कहते हैं इन्फेक्शन से हो सकता है, स्ट्रेस का तो रोल हो ही सकता है, जेनेटिक टेंडेंसी हो सकती है या कुछ एलर्जन से भी ट्रिगर हो सकता है, बट नथिंग इज डेफिनेट। ट्रिगरिंग एजेंट में हम लोग अगर बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, मान लीजिए कि कोई इंसान को इन्फेक्शन हुआ, किसी को मीजल्स हो गया, खसरा हो गया, बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, ये एंटीबॉडीज मीजल्स वायरस को डिस्ट्रॉय तो करेंगे ही, हो सकता है ये एंटीबॉडीज आपके कोलन म्यूकोसा को, आवर ओन म्यूकोसा को अटैक करें और वहां पे इन्फ्लेमेशन हो, म्यूकोसल डैमेज हो,
है ना, जिसकी वजह से अल्सर बन जाए। तो अगर हम किसी भी तरीके से एंटीबॉडी फॉर्मेशन कम कर दें तो इसका मतलब है अपनी ओन म्यूकोसा को अटैक नहीं कर रहे होंगे, पेशेंट में जो अल्सर फॉर्मेशन है या जो डिजीज प्रोग्रेशन है उसे कम किया जा सके। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स देते हैं जो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को कम करें, है ना, जहाँ पे कम करने की जरूरत है, या जनरल इम्यून सप्रेसेंट्स दे सकते हैं जैसे स्टीरोइड एंड ऑल। आइए बात कर लेते हैं अब इन्वेस्टिगेशंस के। तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे इस डिजीज को, क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे हम लोग इस डायग्नोसिस को सस्पेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। जब भी किसी डिजीज के मैनेजमेंट की बात होती है तो मैनेजमेंट के दो पार्ट होते हैं। पहले आप इन्वेस्टिगेट करते हो, अपनी क्लिनिकल डायग्नोसिस को कंफर्म कर लेते हो कि हाँ जो मैं सोच रहा था वो वाकई है कि नहीं है। यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेशंस, और फिर उसके बाद मैं ट्रीटमेंट करके रेस्पॉन्स देखूंगा कि पेशेंट में आराम है कि नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस के। आजकल जमाना बहुत आगे चला गया है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें और हम लोग यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात कर रहे हैं, तो हमें मिलना चाहिए ज्यादातर अल्सर्स इन कोलन, राइट। तो अगर कोई चीज देखना है इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जैसे जब गैस्ट्रिक अल्सर की बात करते थे तो एक एंडोस्कोप माउथ के रास्ते डालते थे, स्टमक म्यूकोसा को देखते थे, वहां से बायप्सी भी, छोटा सा टुकड़ा निकाल के बायप्सी भी कर लेते थे। इसी तरीके से जब अल्सर्स इन कोलन की बात करते हैं तो हम लोग एक एंडोस्कोप लेते हैं और उसको कोलन तक हम लोग क्या करते हैं, पास कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है दैट इज कोलोनोस्कोपी, नंबर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कोलोनोस्कोपी। कितना सिंपल है, एक ऐसा एंडोस्कोप लेंगे जिसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे और वो कोलन तक पहुंच जाएगा, कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, राइट। कोलोनोस्कोपी में मेनली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं वहां पे इंफ्लेमेशन है, वहां पे इरोजन है, वहां पे कोलन अल्सर्स हैं। तो कोलोनोस्कोपी में हम लोग अल्सर्स देख सकते हैं जो कोलन म्यूकोसा या कोलन में हमें मिलेंगे, राइट। अभी इसकी बात करते हैं, कभी कभी एक और स्ट्रक्चर मिलता है, हम लोग कह देते हैं सीडो पॉलिप। सीडो पॉलिप क्या होता है ये भी जान लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं पे अल्सर बन रहा है, इसका मतलब म्यूकोसा आपकी वहां की डैमेज हो गई, वहां पे कुछ ब्लीडिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो आराम से देख लोगे। सीडो पॉलिप और पॉलिप में फर्क क्या है, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये इंटेस्टाइनल वॉल है, अच्छे से बना देते हैं, ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है पहली वाली, ठीक है, ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ नॉर्मल इंटेस्टाइन, राइट। अगर मान लीजिए कभी यहाँ पे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाए, इस तरीके का, तो इंटेस्टाइन बीच में आ गई है मुड़ के, यहाँ पे इंटेस्टाइन की सारी लेयर्स आ गई, हम लोग इसी को कहते हैं डाइवर्टिकुला, ठीक है, डाइवर्टिकुला, या हम लोग इसी को कह देते हैं पॉलिप। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा कि इंटेस्टाइन पूरी की पूरी बर्बाद नहीं होगी, कुछ इस तरीके से म्यूकोसा और सब म्यूकोसा आगे आपके प्रोलेप्स हो जाते हैं ल्यूमेन में, और दूसरा ये है, ये स्ट्रक्चर आपका होता है सीडो पॉलिप, सीडो पॉलिप। सीडो पॉलिप में ऑल लेयर्स नहीं होती, राइट, ऑल लेयर्स नॉट प्रेजेंट। लेकिन अगर हम लोग पॉलिप की बात करें तो पूरी की पूरी लेयर आ गई है यहाँ पे, है ना, ऑल इंटेस्टाइनल लेयर्स प्रेजेंट, ठीक है। तो डाइवर्टिकुला या पॉलिप में, ट्रू पॉलिप में इंटेस्टाइन इस तरीके से कुछ ल्यूमेन में बल्ज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इंटेस्टाइन नहीं, म्यूकोसा थोड़ी सी बल्ज हो जाती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वीक हो जाती है और बल्ज हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग डैमेज देख सकते हैं, या तो अल्सर्स मिल जाएं, चलिए यहाँ पे अल्सर्स बना ले रहे हैं,
इस तरीके के या तो अल्सर्स मिल जाएं या तो यहाँ पे मिल जाएंगे सीडो पॉलिप्स। तो जब कोलन को हम लोग विजुलाइज करेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कोलोनोस्कोपी के अलावा एक और इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम लोग एंडोस्कोप रेक्टम से इंसर्ट करते हैं और सेग्मोइड कोलन को मेनली देखते हैं, हम लोग कह देते हैं सेग्मोइडोस्कोपी, राइट। एंडोस्कोप इंट्रोड्यूस्ड पर रेक्टम एंड ओनली सेग्मोइड कोलन कैन बी विजुलाइज्ड। मतलब यहाँ पे ज्यादातर सेग्मोइड कोलन इन्वॉल्व होता है, तो अगर केवल सेग्मोइड कोलन देखना है तो हम लोगों को सेग्मोइडोस्कोपी करना पड़ेगा। ओनली सेग्मोइड कोलन कैन बी विजुलाइज्ड। कुछ लोग हो सकता है सेग्मोइड कोलन डिसेंडिंग कोलन ना समझ रहे हो, इस डायग्राम से तो बहुत क्लियर है, ये सब एनाटॉमी में पढ़ते हो। अगर हम लोग केवल इतनी बात करें ये सेग्मोइड कोलन है, इतना बात करें तो डिसेंडिंग कोलन है, इतने की बात करें ट्रांसवर्स कोलन है, इतने की बात करें एसेंडिंग कोलन है, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, कहां से लिया था इसको, ये सेग्मोइड कोलन है एंड देन यू हैव फाइनली रेक्टम। ठीक है, तो अगर केवल सेग्मोइड कोलन तक देखना है तो एंडोस्कोप का सही तरीका है रेक्टम से ही आप इंसर्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब डायग्नोसिस की बात आएगी तो हम लोग डायरेक्टली देख लें कहाँ पे अल्सर बना है, उस चीज को विजुलाइज कर लें। यहाँ पे पहली चीज है कोलोनोस्कोपी। हम लोगों ने कोलन के म्यूकोसा को, सब म्यूकोसा को देखा, कोई अल्सर होगा तो भी दिख जाएगा, कोई इस तरीके का सीडो पॉलिप होगा तो भी दिख जाएगा। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो ज्यादातर चांस वहां पे सीडो पॉलिप हो, पूरी की पूरी इंटेस्टाइन नहीं हो, हो सकता है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा बल्ज करके ल्यूमेन में आ गए हो। केवल अगर हम लोगों को सेग्मोइड कोलन तक देखना है तो सेग्मोइडोस्कोपी कर सकते हैं, कोलोनोस्कोपी से पूरा कोलन देख सकते हैं, तो ऑन एनी गिवन डे सेग्मोइडोस्कोपी से अच्छा कोलोनोस्कोपी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से रेक्टम से हम लोगों ने इंसर्ट किया है एक सेग्मोइडोस्कोप, है ना। कोई भी एंडोस्कोपी करो या सेग्मोइडोस्कोपी करो तो हम लोग क्या कहते हैं, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब ले लेते हैं जिसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे कैमरा लगा होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सेग्मोइडोस्कोपी, है ना, फ्लेक्सिबल सेग्मोइडोस्कोपी, ताकि ये डिजायर्ड आपके लेवल तक पहुंच जाए विदाउट मच पेन। तो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, आगे यहाँ पे कैम लगा होता है, कैम आपके मॉनिटर से कनेक्ट होता है, मॉनिटर पे आप लोग देखते हो अंदर अल्सर है कि नहीं। यहाँ पे सेग्मोइड कोलन में हम लोग देखना चाह रहे हैं अल्सर्स हैं कि नहीं, पर रेक्टम हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं सेग्मोइडोस्कोप, आगे जो भी यहाँ पे चीज होगा वो मॉनिटर पे दिखेगा। इसी तरीके से अगर पूरे कोलन को देखना है तो हम लोग कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस मिल सकते हैं जिससे हमें लगे कि हाँ किसी पेशेंट में म्यूकोसा ठीक नहीं है। इस तरीके से जो वहां पे कैमरा होगा इस तरीके की फिगर आपको प्रोवाइड करेगा, ये नॉर्मल कोलन है, नॉर्मल कोलन। अच्छा, एक चीज और होती है, नॉर्मल कोलन में फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, हम लोग कहते हैं हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रेशंस, हॉस्ट्रा फोल्ड, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से आपको कई फोल्ड्स दिख रहे होते हैं, आगे चल के ये फोल्ड्स भी आपके एबसेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये फोल्ड्स एबसेंट हो जाते हैं, कोलोनोस्कोपी से भी दिखेगा। आगे चल के हम लोग बेरियम एनीमा की भी बात करेंगे, उसमें भी ये चीज दिखेगा। चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप लोग मल्टीपल ब्लीडिंग या इरोजन्स देख पा रहे हो, हम लोग कह देते हैं यही आपके अल्सर्स हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस का देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको रेडिश स्पॉट्स देख रहे हैं, है ना, तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे अल्सर्स हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग आउट पाउचिंग ऑफ म्यूकोसा देख पा रहे हो, अल्सर्स तो नहीं है यहाँ पे, इसी को हम लोग कह देते हैं सीडो पॉलिप्स। ठीक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन की पूरी लेयर बल्ज नहीं कर रही है, केवल म्यूकोसा बल्ज कर रही है, तो हम लोग इसको कह देते हैं सीडो पॉलिप। तो जब कोलोनोस्कोपी कराएंगे तो इस तरीके से नॉर्मल दिखेगा, अल्सर्स होंगे तो रेडिश दिखेंगे, कुछ ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखेंगे, सीडो पॉलिप्स होंगे तो कुछ आपके इस तरीके से रेज्ड एरियाज दिखेंगे, ऐसे लगेगा कि म्यूकोसा बाहर निकल रही है, यही आगे चल के रप्चर हो जाएगी, तो यही आपका बन जाएगा अल्सर।
तो बहुत ही सिंपल है, अगर हमें इंटेस्टाइन देखनी है तो इंटेस्टाइन को हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली एंडोस्कोपी से, कोलन तक देखेंगे तो कोलोनोस्कोपी कहेंगे, केवल सेग्मोइड कोलन को देखेंगे तो सेग्मोइडोस्कोपी कहेंगे। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने डायग्राम लिया है, यहाँ पे एक ऐसा एंडोस्कोप है जो सेग्मोइड कोलन तक पहुंच रहा है, यही, और आगे तक पहुंच जाए पूरा इवेलुएट कर ले तो कोलोनोस्कोपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों ने डायग्राम दिया है सेग्मोइड कोलन तक पहुंचे हैं, तो प्रोबेबली ये सेग्मोइडोस्कोप कह दो तो ज्यादा बेहतर है, राइट। तो हम लोगों ने सेग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी की बात की है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी वहां पे डैमेज हुआ होगा या जो भी वहां पे अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड क्लू मिलेगा उसको हम लोग फिगर आउट करेंगे, मेनली अल्सर्स और सीरोपॉलिप्स। आइए और इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, उसके पहले यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट कर देते हैं। इन्होंने भी कहा कि पहले हम लोग करना चाहेंगे एंडोस्कोपी, और एंडोस्कोपी से हम लोग थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं, पार्ट निकाल लेते हैं, बायोप्सी। बायोप्सी को हम लोग पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं कि कहीं यहाँ पे कैंसर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, टू रूल आउट कैंसर। आगे चल के अभी बताएंगे कि अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आगे चल के इनको कोलन कैंसर भी हो सकता है। तो एंडोस्कोपी के दो फायदे हैं, एक तो हम लोग वहाँ के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, दूसरी चीज है अगर हमें डाउट लगता है कि यहाँ कैंसर तो नहीं है या कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है, थोड़ा सा टुकड़ा निकाल सकते हैं और उसको लैब में स्टडी करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई मैलिग्नेंट चेंजेस तो नहीं है, मतलब पेशेंट को कैंसर तो नहीं है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो पेशेंट मरेगा नहीं, है ना, उसको बहुत ज्यादा तो कुछ सिम्टम्स आएंगे, डायरिया वगैरह, ब्लड वगैरह, पेन वगैरह, लेकिन कैंसर होगा तो थोड़े दिन में काम तमाम हो जाएगा। तो मेनली हम लोग बात कर रहे हैं एंडोस्कोपी के, और उसमें मेनली बात करते हैं कोलोनोस्कोपी के, है ना। कोलोनोस्कोपी से होल ऑफ कोलन को आप लोग इवेलुएट कर सकते हो, सेग्मोइडोस्कोपी से केवल सेग्मोइड कोलन को। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं म्यूकोसा इज हाइपरीमिक एंड ब्लीड्स ऑन टच, है ना, तो जहां पे भी अल्सर होगा वहां रेड स्पॉट्स दिखेंगे, अगर आप टच कर दोगे तो वहां से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी ऊपर से सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो वहां पे पस लाइक कलेक्शन भी मिल सकता है, हम लोग कहते हैं पुरुलेंट डिस्चार्ज। देन यू हैव सीडोपॉलिप्स। सीडोपॉलिप्स क्या होते हैं, हम लोगों ने कह दिया था आउट पाउचिंग ऑफ म्यूकोसा, और ये भी आपको दिखेगा कोलोनोस्कोपी से। ये सब आपके एक तरीके से पैथोग्नोमिक चेंजेस होते हैं। कभी कभी प्लेन एक्सरे से भी अगर यहाँ पे कोलन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तो डायलेट हो जाता है, हम लोग कहते हैं टॉक्सिक मेगाकोलन। इसके अलावा वही चीज जो हम लोगों ने चैट सेक्शन में डिस्कस किया था कि अगर इंटेस्टाइन का एक्सरे कराओगे तो इंटेस्टाइन सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ना एक्सरे को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा ना बहुत अच्छे से रोकेगा, तो बोनी स्ट्रक्चर्स को एक्सरे से बेहतर देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से सॉफ्ट स्ट्रक्चर को बेहतर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे तो बहुत पर्पज इसलिए नहीं सॉल्व होगा क्योंकि हमें इनर एस्पेक्ट देखना है। तो यहाँ पे सेकेंड इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा, अब जैसे ये सेग्मोइडोस्कोप है, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, अगर हम लोग किसी तरीके से इसके अंदर डाई डाल दें, डाई डाल के फिर हम लोग डाई को ऊपर पहुंचा दें और एक एक्सरे ले लें, तो डाई जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट होगी वहां वहां का स्ट्रक्चर ओपेक आएगा। यहाँ पे जब हम लोग एनीमा की बात करते हैं, बेरियम एनीमा, तो हम लोग कहते हैं हम लोग डाई पुश कर देते हैं रेक्टम से और फिर कुछ एक्सरे ले लेते हैं एब्डोमेन का, राइट। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां पे फिलिंग डिफेक्ट आएगा, मतलब डाई वहां रुक नहीं पाएगी ज्यादा देर तक, जहां पे भी एबनॉर्मेलिटी होगी इन फॉर्म ऑफ अल्स।
वेलकम बैक। मेरी आवाज जा रही है सभी तक? माइक ऑन कर दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए। yes, आवाज कितनी देर आवाज नहीं मिली है उतना मैं रिवाइज करा देता हूँ। सर पेरियम से शुरू किया है। चलो ठीक है, थोड़ी देर चैट सेक्शन में देख लेते हैं, इसी बहाने चैट सेक्शन में आने का मौका मिल गया। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी के स्टमक का एक्सरे कराया तुमने, तो क्या तुम स्टमक के अंदर वाले पार्ट को देख सकते हो एक्सरे से? नहीं देख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को आपने स्टमक का एक्सरे कराया लेकिन उसके पहले एक डाई पिला दिया, तो डाई इसके म्यूकोसा से इस तरीके से चिपक जाएगी। अब एक्सरे कराओगे तो स्टमक को आप लोग लोकलाइज कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल। तो जहां पे भी मान लो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, ये पार्ट इरिटेटेड रहेगा, यहाँ पे डाई टिक नहीं पाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको फीलिंग डिफेक्ट जैसा दिखेगा, फीलिंग डिफेक्ट। और आगे चल के जब इन्फ्लेमेशन होता है, तो मैंने कहा था कोलन में कुछ आपके इस तरीके से फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या कहते हो इन फोल्डिंग्स को? मैंने बताया था हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रेशंस बोलते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो ये चीजें डैमेज हो जाती हैं, कोलन आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है। हम लोग कह देते हैं आगे चल के यहाँ पे अगर डाई डाल दिया तो इसी तरीके से दिखेगा, लेड पाइप, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, हॉस्ट्रेशंस एबसेंट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर स्टमक का कर रहे थे तो डाई माउथ से पिलाना रीजनेबल लग रहा था, लेकिन अगर कोलन के स्ट्रक्चर का कर रहे हो तो डाई किधर से इंट्रोड्यूस करना बेहतर रहेगा बताइए? पर रेक्टम। बहुत बढ़िया, रेक्टम से डाई डाल देंगे और ये डाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी रेक्टम और कोलन में। और अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन होगा, अल्सर होगा, ब्लीड होगा, तो वहां से डाई डिस्प्लेस हो जाएगी और वहां पे फिलिंग डिफेक्ट जैसा दिखेगा। तो दूसरा इन्वेस्टिगेशन हम लोग बात कर सकते हैं किस चीज का? बेरियम एनीमा का, ठीक है? अगर हम लोग कोलोनोस्कोपी की बात करें और सेग्मोइडोस्कोपी की बात करें तो कौन सा बेहतर है बताओ? कोलोनोस्कोपी, पूरा कोलन देख ले रहे हैं, वेरी नाइस। सेग्मोइडोस्कोपी में केवल सेग्मोइड कोलन देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोलोनोस्कोपी में दो मेन चेंजेस देख रहे थे हम लोग, वो दो मेन चेंजेस क्या क्या हैं बताइए? एक तो आपको अल्सर्स दिख गए, ब्लीडिंग पॉइंट्स दिख गए, और दूसरा सीडोपॉलिप, ठीक है? सीडोपॉलिप क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, हॉस्ट्रेशंस एब्सेंट रहेंगे, है ना, या कम हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जहां इन्फ्लेमेशन होता है वहां टिश्यू डैमेज होता है और यहाँ हॉस्ट्रेशंस आपके डैमेज हो जाएंगे। आइए फिर से म्यूट किया है, फिर से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे लगा मैं ट्रीटमेंट भी पढ़ा दूंगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा स्लो चलते हैं, इस टॉपिक को समझ लो, आगे क्रॉन्स डिजीज पढ़ेंगे तो यही सब काम आएगा। तो हम लोग बेरियम एनीमा की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग डाई को रेक्टम से पुश कर देंगे, उसके बाद एक्सरे एब्डोमेन करेंगे। अगर कोई फिलिंग डिफेक्ट होगा, हॉस्ट्रेशंस एब्सेंट होंगे तो लेड पाइप, फिलिंग डिफेक्ट होगा तो डाई आपकी इररेगुलरली प्लेस्ड होगी, एबनॉर्मेलिटी होगी, अल्सर होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो कुछ फीलिंग डिफेक्ट के फॉर्म में आएगा, मतलब ओपेसिटी कम आएगी। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, स्टमक का एक्सरे कराओगे तो आप ये नहीं जान सकते स्टमक का इनर एस्पेक्ट कैसा है, अल्सर है कि नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी को बेरियम एनीमा, बेरियम पिला दिया, बेरियम मील, बेरियम इसको खिला दिया, उसके बाद एक्सरे लोगे थोड़ी देर के बाद, तो बेरियम डिस्ट्रीब्यूट होगा और स्टमक के अंदर वाली लेयर को आप एप्रिसिएट कर सकते हो। आइए कुछ रियल डायग्राम देखते हैं बेरियम एनीमा के, कुछ इस तरीके से आप लोग विजुलाइज कर पा रहे हो। हॉस्ट्रेशंस अगर एब्सेंट हो जाएंगे तो पेशेंट में लेड पाइप कोलन मिलेगा। अब देखो हॉस्ट्रेशंस कैसे दिखेंगे, मैंने कहा था जो भी आपका कोलन है, समझ लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मल कोलन होगा उसमें हॉस्ट्रेशंस होंगे, इस तरीके का कोलन होता है, ठीक है? ये आपके हॉस्ट्रा होते हैं, हॉस्ट्रेशंस, हॉस्ट्रा या हॉस्ट्री भी बोलते हैं, हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रेशंस। अब देखो यहां पे देखो, ये देखो हॉस्ट्रेशंस दिख रहे हैं, इस डायग्राम को बहुत ज्यादा मैं छेड़ना नहीं चाहता, यहाँ देखो हॉस्ट्रेशंस दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, है ना? तो प्रेजेंस ऑफ हॉस्ट्रेशंस ये आपका नॉर्मल है।
लेकिन यहाँ पे देखो हॉस्टेशंस लगभग गायब हो गए हैं आपको इस तरीके से, लेड पाइप, ऐसे लग रहा है कोई पाइप है लोहे की, है ना, टेढ़ी कर दी गई है, तो हम लोग इसी को कह देते हैं लेड पाइप कोलन, क्योंकि यहाँ पे हॉस्ट्रा आपके हॉस्ट्रेशंस एब्सेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हो डाई यहाँ पे कुछ एरिया में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, यहाँ पे हम लोगों ने डाई पिला दिया था तो डाई इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और जब हम लोगों ने एक्सरे कराया तो डाई बिल्कुल बॉवेल में साफ साफ दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे डाई प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा थे, इन्फ्लेमेशन थे, तो इस तरीके से हम लोगों को फीलिंग डिफेक्ट दिख रहा है, फीलिंग डिफेक्ट, वहां डाई कम विजुलाइज हो रही है। हम लोग कहते हैं लेफ्ट साइड में कोलाइटिस हो गई है, तो जहां जहां कोलाइटिस होगी वहां डाई का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो बेरियम एनीमा भी हमें हिंट दे देता है, लेकिन अगर मैं आजकल के सिनेरियो की बात करूं जहां पे एंडोस्कोपी अवेलेबल है, क्या जरूरत है उसको डाई पिलाने के, दुनिया भर के टेस्ट करने के, एंडोस्कोप लिया, इंट्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने रेक्टम से, पूरा कोलन देख लिया, अल्सर्स देख लिया, हॉस्ट्रेशंस देख लिए, सीडो पॉलिप्स देख लिए, अगर ऐसा है तो इसको क्लिनिकल फीचर से रिलेट किया तो इसको जो है पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, नहीं है तो नहीं है। बेरियम एनीमा वगैरह पुराने जमाने की चीज हो गई, ठीक है, लेकिन अभी भी आप लोगों के एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, कहीं एंडोस्कोपी ना हो पाए, है ना, एंडोस्कोपी आपके पास गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ना हो, हाँ तब बेरियम एनीमा का रोल है ना। तो डिपेंड करता है आप लोग किस सेंटर पे काम करते हो। बेरियम एनीमा में करना क्या है, पेशेंट को पर रेक्टली बेरियम इंट्रोड्यूस कर देना है, उसके बाद एक्सरेज ले लेने हैं हमें, है ना, एब्डोमेन के, ये कहीं पे भी हो सकता है छोटे मोटे सेंटर पे, और एक क्लू इससे भी मिल जाता है, एक छोटा सा टेस्ट है ना। तो दोनों के अपने अलग अलग रेलेवेंस हैं। आइए और बात कर लेते हैं सीरोलॉजिकल मार्कर्स, हम लोग ब्लड में भी कुछ चीज टेस्ट करके बता सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि नहीं है, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों ने शुरू से बात की है ये डिजीज ऐसी है जिसमें कुछ न कुछ एंटीबॉडीज बनी हैं, और ये एंटीबॉडीज आपके कोलोनिक म्यूकोसा या रेक्टल म्यूकोसा को डैमेज कर रही हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यही कहा था, यहाँ पे बॉडी की इम्यूनिटी में कुछ ऐसी खामी है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं, हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हुआ हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं, और इन एंटीबॉडीज ने किया क्या, इन एंटीबॉडीज ने, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई और इन्होंने डैमेज कर दिया किसको, कोलोनिक म्यूकोसा को, मेनली रेक्टम को भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा डैमेज होता है और जो विजुलाइज कर सकते हैं हम लोग वो कोलोनिक म्यूकोसा का है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एंटीबॉडीज ये हैं कौन कौन सी, दूसरी डिजीज हम लोग क्रॉन्स डिजीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो पेक्यूलियर एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, इन एंटीबॉडीज को आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहली एंटीबॉडीज हम लोग कहते हैं पी अंका, कम सुनोगे इनको, ठीक है, पेरी न्यूक्लियर कराते हैं इन सबको, इसलिए पढ़ाया जा रहा है पेरी न्यूक्लियर पी के लिए, फिर उसके बाद एंटी न्यूट्रोफिल, बॉडी में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। आगे चल के हम लोग क्रॉन्स डिजीज की भी बात करेंगे, दोनों लगभग मिलते जुलते डिजीज हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं पी अंका 70% पेशेंट्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिलते हैं और 10% पेशेंट्स ऑफ क्रॉन्स डिजीज में मिलते हैं। तो जब क्रॉन्स डिजीज पढ़ेंगे तो एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बेरियम एनीमा, पंका, पी अंका, और आगे चल के हम लोग एंटी सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी एंटीबॉडीज की भी बात करेंगे। तो एक एंटीबॉडी आपको मिल गई पी अंका, ठीक है, जो कि 70% केसेस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिलता है, मतलब इस डिजीज को अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं और ब्लड में एक एंटीबॉडी मिल रही है पी अंका, तो भी हम लोग कह देंगे कि हाँ हमारी डायग्नोसिस सही है। दूसरी बात करें एक और एंटीबॉडीज है तो हम लोग कहते हैं एंटी सैक्रोमाइसिस, हम लोग मान रहे थे कि कुछ इन्फेक्शन से भी हो सकता है ना, एंटी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एंटीबॉडीज, सेरेविसी एंटीबॉडीज,
ये दूसरी एंटीबॉडी है जिसने आपकी कोलन की म्यूकोसा को डैमेज किया, एंटीबॉडीज। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज में दोनों में मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये वाली एंटीबॉडी अल्सरेटिव कोलाइटिस में जरूर मिल सकती है, लेकिन ये मेनली क्रॉन्स डिजीज में मिलती है। रिलेशन हो गया उल्टा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एंटी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एंटीबॉडीज, ये आपके 10% केसेस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस और उल्टा हो गया 70% केसेस ऑफ क्रॉन्स डिजीज, राइट। एक और एंटीबॉडी होती है एंटी गॉबलेट सेल एंटीबॉडीज जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, वो दोनों में 30-40% केसेस में मिलते हैं, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो चाहे क्रॉन्स डिजीज हो, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था, कम पढ़ाया जाता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज बहुत कॉमन है। सबसे पहले हम लोगों ने बात कर लिया इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कोलोनोस्कोपी, जहां पे आपके डीएम गैस्ट्रो बैठते हो वहीं पे पॉसिबल है, एंडोस्कोपी हर कोई नहीं कर पाता है। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया अल्सर्स कोलन में मिले और सीडोपॉलिप, इस तरीके से अगर आपका प्रेजेंटेशन हो तो नॉर्मल है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो हॉस्ट्रेशंस कम है, ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं, हम लोग कह दिए दिस इज टिपिकल ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। दूसरे में अल्सर्स नहीं बने हैं लेकिन सीडोपॉलिपोसिस आप लोगों को दिख रही है। फिर हम लोगों ने कह दिया बेरियम एनीमा भी करा सकते हैं पेशेंट का, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डाई पिला दी थी तो स्टमक के या स्मॉल इंटेस्टाइन को विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें और नीचे के स्ट्रक्चर्स को देखना है तो डाई को रेक्टम से इंट्रोड्यूस करके एब्डोमेन का एक्सरे करा सकते हैं। लेड पाइप अपीयरेंस मिल सकता है क्योंकि हॉस्ट्रेशंस एब्सेंट होंगी। फिलिंग डिफेक्ट मिल सकता है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ कोलन इन्वॉल्व है, पैन कोलाइटिस नहीं है, एक्सटेंसिव कोलाइटिस है। इफ क्लिनिकल फीचर्स आर सजेस्टिव तो इसका मतलब क्रॉन्स डिजीज है। सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस की बात करें तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं कोलोनिक म्यूकोसा, पता नहीं किस रीजन से कुछ एंटीबॉडीज बनी जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ। तो दुनिया भर के रीजन हम लोग देखे थे, जैसे कुछ इन्फेक्शन, स्ट्रेस, है ना, जिनकी वजह से एंटीबॉडीज बनी हुई थी। इन्हीं एंटीबॉडीज में एक है पी एन का, पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज बहुत कॉमनली कराया जाता है, 70% केसेस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस और 10% ऑफ केसेस ऑफ क्रॉन्स डिजीज में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से एंटी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एंटीबॉडीज होते हैं, ये 10% केसेज ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस और 70% केसेज ऑफ आपके क्रॉन्स डिजीज में प्रेजेंट होते हैं। एक और यहाँ पे डायग्राम होगा उसको भी चेक कर लेते हैं, इन्होंने क्या क्या कहा है। राइट, तो यहाँ पे कुछ और डिजीजेस को हम लोग रूल आउट करने के लिए स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं, कहीं ये प्रॉब्लम किसी इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन की वजह से नहीं है इसका मतलब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस ज्यादा है। सीरोलॉजिकल मार्कर में हम लोग पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज कराते हैं, बेस्ट सीरोलॉजिकल मार्किंग हम लोग कहते हैं 70% पेशेंट्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिल सकता है, 10% क्रॉन्स डिजीज में भी मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से हम लोगों ने एंटी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एंटीबॉडीज की भी बात की थी, ये 10% ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस और 70% ऑफ क्रॉन्स डिजीज।